क्या कर रहे हैं? निकाल दो कि पहन लो? पहन लो। रिसेंटली मुझे कमेंट्स बहुत सारे ऐसे आने लग गए हैं कि भाई कीबोर्ड कौन सा मैं ऐसा खरीदूं जो लाइव बजाने के लिए बहुत ठीक रहे या फिर लाइव परफॉर्मेंस के लिए दैट वुड बी गुड कीबोर्ड। तो अगले 5 मिनट में आपके पास ये जानकारी होगी कौन सा कीबोर्ड आपके लिए ठीक रहेगा और क्यों। पहली चीज जो सबसे ज्यादा लोग समझते हैं कि भाई लाइव बजाने के लिए मेरे कीबोर्ड में बहुत अच्छे अच्छे साउंड्स चाहिए, ये ठीक भी है और नहीं भी। ठीक इसलिए क्योंकि अगर आपको लाइव परफॉर्म करना है और आप स्टेज पर चढ़ गए हो, आपके कीबोर्ड में घटिया घटिया आवाज़ निकल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दैट डजंट वर्क आउट। यू नीड गुड साउंड्स ऑन योर कीबोर्ड। ऑन द अदर हैंड, आपके कीबोर्ड से अगर हमने साउंड मॉड्यूल को ही अलग कर दिया तो सुनो, मॉडर्न जो शोज होते हैं ना, सारे काम आपने देखा होगा, फिर लोग स्टेज में जब परफॉर्म कर रहे हैं, बड़े बड़े सिंगर सोनू निगम, हिमेश रेशम या ए आर रहमान, ऐसे लोग आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि वो सामने ना कैसे लैपटॉप लगाकर बैठ जाते हैं ना कीबोर्ड के सामने, है ना। तो वो जो चीज़ है वही टेक्नोलॉजी आजकल लाइव में यूज़ हो रहा है। ये चीज़ स्टूडियो में बहुत दिन से यूज़ होते आ रहा था, लाइव में आजकल इन द सेंस पिछले कुछ सालों से ये चीज़ की जो है यूजेज चल रही है। इसमें क्या होता है कि वो जो साउंड्स बजते हैं स्टेज पर वो कीबोर्ड पर नहीं होते हैं बट वो लैपटॉप पर होते हैं, और उस लैपटॉप को आप कनेक्ट करते हो आपके कीबोर्ड के साथ। इसको कहते हैं मिडी कनेक्शन। अगर आप कीबोर्ड्स ढूंढते हो ऑनलाइन, आपको पता चलेगा उसमें मिडी इन मिडी आउट करके लिखा रहता है, तो वो मिडी कनेक्शन होता है। मिडी के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझे बताओ कमेंट करके नीचे, मैं आगे चलकर एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं ये चीज़ पूरी क्लियर कर दूंगा। बट इस वीडियो के लिए ऐसे समझते हैं कि दो तरीके हैं, या तो आप मिडी यूज़ कर लो या फिर आप अच्छे अच्छे साउंड्स अपने कीबोर्ड पर ले लो। बट इन दोनों में किसी भी एक चीज़ को चूज़ करने से पहले ये समझ लेते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है। अगर हम कीबोर्ड पर अच्छे अच्छे साउंड्स रख लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक एक्स्ट्रा लैपटॉप कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लैपटॉप अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि अगर ये गंदी क्वालिटी का लैपटॉप निकल गया तो स्टेज पर जाकर शट डाउन हो गया, कुछ भी हो गया, अचानक से उसका बैटरी बैकअप खराब हो गया, या फिर पावर केबल लगा रहे हो उसको पावर नहीं ले, बहुत कुछ हो सकता है। कीबोर्ड पर अगर साउंड है तो आपने इस मॉड्यूल को, ये जो लैपटॉप एक एक्स्ट्रा चीज़ आपके पास थी, आपने उसी चीज़ को पूरी तरीके से निकाल दी अपने हिसाब से। सो दैट्स अ वेरी क्लीन सेटअप। आप जाकर अपना कीबोर्ड स्टैंड पर रखते हो, रखकर आप बजाना चालू कर देते हो, वेरी गुड। प्रॉब्लम क्या है कि आपके कीबोर्ड में आपने जब परचेस किया उस वक्त, लेट्स आपने 2020 में कीबोर्ड परचेस किया है, तो 2020, 2021, 2022 तक तो चलो मोर और लेस वो साउंड्स जो उसमें आते हैं वो मॉडर्न साउंड्स माने जाएंगे। 2022 आते आते ऐसे बहुत सारे कीबोर्ड्स मार्केट में लॉन्च हो जाएंगे जिसमें वो सारे साउंड्स से भी काफ़ी मॉडर्न साउंड्स आने लग जाएंगे। एंड तब जो गाने निकलेंगे बॉलीवुड में या फिर कहीं भी जिसको आप स्टेज पर परफॉर्म करने वाले रहोगे, उनकी क्वालिटी अलग हो जाएगी, और आपका कीबोर्ड उस वक्त क्या होगा, पुराना सा विंटेज जमाने का कीबोर्ड जैसा साउंड करेगा। मतलब ठीक तो रहेगा तब भी, लेकिन जैसे युग बदल रहा है आप उसके साथ आपको भी तो अपग्रेड करना है, तो वो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे। आपने जो खरीद लिया आपने वो खरीद लिया, देर इज नो चेंजिंग एट ऑल। फिर जाके OLX में ऐड डालो, कौन खरीदेगा देखो, नया कीबोर्ड खरीदने के बारे में सोचो। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप दूसरी चीज़ के बारे में सोचेंगे जहाँ पे आपने साउंड को कीबोर्ड से निकलकर लैपटॉप में डाल लिया, तो लैपटॉप में आप तो कितने भी साउंड्स डाउनलोड कर सकते हो, साउंड्स फ्री में मिल जाते हैं। मैं डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ कि कैसे आपको डॉ लगाना है, VSTs लगानी है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। अगर आपको चाहिए नीचे लिखो, मैं मीडी VST सब के बारे में बता दूंगा। तो अभी के लिए इतना समझ कर चलो कि आपका जो लैपटॉप है उसमें आप साउंड्स डाउनलोड कर सकते हो, कितने भी कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। आपका जो हार्ड डिस्क होता है लैपटॉप का, लगभग 1 TB का हार्ड डिस्क तो होता ही है, 1 TB में इतने साउंड्स आ जाएंगे, दुनिया भर के सारे कीबोर्ड को जोड़ दोगे ना, उसकी कैपेसिटी का 10% में नहीं भर पाओगे, इतना साउंड आप उसमें डाल सकते हो। तो इसमें क्या फायदा हो रहा है कि आपके साउंड्स जो हैं वो कभी पुराने हो गए, बहुत पुरानी पुरानी साउंड्स से नए साउंड्स इसमें नहीं मिल रहे, ये प्रॉब्लम कभी आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपका जो कीबोर्ड है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट कीज कीबोर्ड जो होता है वो अलग है, एंड आपके साउंड्स अलग हैं, वो दोनों कनेक्टेड हैं एक छोटा सा वायर के जरिए। आजकल तो वायरलेस भी निकल गया है, एंड उसके चलते क्या हो रहा है कि आप वहाँ पे साउंड सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे बजाते रहिए। आपको लगता है लैपटॉप ऑपरेट करना प्रॉब्लम है, ठीक है आप चलो एक आईपैड लगा दो, एप्पल महंगा है, एंड्रॉयड टैबलेट लगा दो, एंड्रॉयड फ़ोन से भी हो जाएगा। मतलब आपको कभी साउंड की कमी महसूस हो ही नहीं सकती है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ साउंड लेकर आप बैठ सकते हो। तो दैट इज़ द वे द वर्ल्ड इज मूविंग राइट नाउ। तो अगर आपको अभी एक कीबोर्ड इसलिए परचेस करना है कि भाई ये जो है मैं लेकर इसको लाइव बजाने जाऊंगा, तो शायद आप जब लाइव बजाने जाएंगे आप उस कीबोर्ड के साउंड्स को यूज़ भले ही आजकल कर लोगे, बट थोड़ा जैसे आप ग्रो कर जाएंगे आप इस तरफ आ जाएंगे, यानी कि मिडी यूज़ करेंगे आप।
सीधा कीबोर्ड के ऑनबोर्ड साउंड्स को यूज ही नहीं करेंगे। हम तो यार ये लेकर भी सोचते हैं कि इसके जो स्पीकर क्वालिटी कितनी अच्छी है कि अच्छी नहीं है ना, वो घर पे आप कीबोर्ड खरीद रहे हो तो आपको सोचना चाहिए। बट अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हो तो वैसे भी आप बड़े बड़े स्पीकर सिस्टम में कनेक्ट कर लोगे परफॉर्मेंस के टाइम पे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपका जो स्पीकर है उसके ऊपर माइक्रोफोन लगाकर ऐसे डाल दिया गया है अब बजा रहे हो साउंड जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना। उसको आप कनेक्ट करोगे बड़े बड़े स्पीकर से, तो मतलब ऑनबोर्ड स्पीकर की क्वालिटी भी मैटर नहीं करती। इनफैक्ट अगर आप बड़े बड़े कीबोर्ड्स को देखोगे लाइक रोलैंड XPS सीरीज, ये जो सीरीज है उसमें तो स्पीकर होता ही नहीं है। अच्छा, रोलैंड बोलते हुए मुझे और एक चीज़ याद आई। बहुत किसी ने सवाल पूछ के रखा है कि भाई रोलैंड BK3 कैसा कीबोर्ड है, आप रोलैंड EX20 EX13 को क्यों अच्छा नहीं बोल रहे हो, आप कैशियो यामाहा लेके बात कर रहे हो, रोलैंड की क्यों नहीं बात कर रहे हो। इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रोलैंड का जो लोअर लेट से लेस देन 20,000 या 20,000 के आसपास जो उनकी जो प्राइस रेंज है उसमें जो कीबोर्ड्स आपको मिलते हैं उनके साउंड्स एक वर्ड में बोला जाए तो बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है साउंड क्वालिटी। वो साउंड्स आपको नहीं खरीदने चाहिए। यू डोंट वॉन्ट वेस्ट योर मनी ऑन अ साउंड क्वालिटी लाइक दैट, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ख़राब है। रोलैंड E09 IN करके एक मॉडल निकला था लाइक 5 साल पहले शायद, तो E09 IN वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रोलैंड जिसमें ये साउंड की खराबी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद से हर एक प्रोडक्ट में जो बिलो 30,000 था वो 30,000 के नीचे मिलता था, सारे प्रोडक्ट्स में साउंड खराब है। साउंड किस में अच्छे हैं? XPS 10, XPS 30, ये सब जो रेंज के कीबोर्ड्स है, यानी कि अबव 40K के ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो छोटे कीबोर्ड में अगर आपको खरीदना है तो रोलैंड ना खरीदें। लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है, लाइव परफॉर्मेंस जिसको लेकर ये वीडियो हमने चालू की थी, आई थिंक यू शुड गो इन द फेवर ऑफ गोइंग फॉर अ MIDI कनेक्टिविटी। तो आपके कीबोर्ड के ऑनबोर्ड साउंड्स अच्छे हैं कि नहीं है वो मैटर नहीं करेंगे, बाकी फंक्शनलिटीज आप देख लीजिए, बट साउंड क्वालिटी मैटर नहीं करने वाली है। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आप लैपटॉप चलाने में उतने कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे या फिर सिर्फ कीबोर्ड ही आपके लिए ठीक रहेगा, देन ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर अ कीबोर्ड दैट हैज़ गॉट गुड साउंड क्वालिटी। एंड उसके लिए आपका प्राइस रेंज क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 20,000 या उसके ऊपर, यानी कि कैशियो में अगर आएंगे तो मिनिमम 9,000 IN। अगर आप यामाहा लेना चाहते हैं तो यामाहा में PSR-E सीरीज मत लीजिए, ना इधर E463, 473, 373 ई सीरीज मत लीजिए। ई सीरीज लर्नर्स कीबोर्ड होते हैं, अगर वो परफॉर्मेंस करना है तो आपको PSR-S सीरीज लेना पड़ेगा। SX600, SX500 काफ़ी महंगा कीबोर्ड है, काफ़ी ज़्यादा महंगा कीबोर्ड है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए वही कीबोर्ड सबको लेने रहेंगे। फिर भी समझ लो कि आपने जो मान लो 40,000 रुपये लगा के आज जो कीबोर्ड खरीदा है वो कीबोर्ड आपका वैसे भी लेट से 2-3 साल बाद उसके साउंड्स पुराने हो जाएंगे। हाँ, आप एक्स्ट्रा साउंड बैंक डाल सकते हो लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। बट हाँ, लेकिन अगर आपने MIDI कीबोर्ड का रास्ता चुना तो आपको 20,000 रुपये में इतना बढ़िया MIDI कीबोर्ड आ जाएगा, प्लस आपको एक लैपटॉप चाहिए होगा, सो दैट इज़ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपको 60-70,000 आपके लैपटॉप में निकल जाएगा। 20,000 का लैपटॉप लेके मत कीजिए क्योंकि दैट विल बी जस्ट बैड, ठीक है? तो 60-70,000 का लैपटॉप कुछ ही है, तो ये कुल मिला के 1,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है, दैट इज ट्रू, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट में आप जिंदगी भर आप इसको चला सकते हो। और यहाँ पे आप 40,000 का कीबोर्ड आज खरीदोगे, 3 साल बाद फिर से खरीदोगे, 3 साल बाद फिर से खरीदोगे, तो अगर आपने अपना नेक्स्ट 15 ईयर का टाइमलाइन आप देख लोगे, 15 साल में आप 5 बार ये कीबोर्ड खरीद दो 40,000 लगाकर, और आप एक बार 70-80,000 1,00,000 रुपया खर्चा करते हो इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज डन ऑफ। चॉइस इज योर्स व्हिच वन यू वांट टू गो, बट मैंने आपको दोनों ऑप्शंस बता दिए, एंड मैंने भी ये बोला कि मेरा वोट जो है इस तरफ है। इनफैक्ट मैं जो कैशियो 8000 IN यूज करता हूँ, आपने मेरी हर एक वीडियो में देखी होगी, उसको भी मैं एज अ MIDI कीबोर्ड ही यूज करता हूँ। उसके ऑनबोर्ड साउंड्स को मैं बहुत कम यूज करता हूँ, इनफैक्ट शायद सिर्फ आपके लिए जब ट्यूटोरियल बनाता हूँ या फिर मैं किसी को कीबोर्ड सिखाता हूँ मेरी क्लासेस में तभी मैं सिर्फ उसके इंटरनल साउंड्स यूज करता हूँ, समटाइम्स उसमें भी नहीं। एनीवेज, तो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल, आपने आज कुछ नई चीज सीखी एंड आपको कीबोर्ड खरीदने में कुछ मदद हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ कीबोर्ड्स की लिंक दे रखी है, आप जाकर उनको चेक कर सकते हैं। बगल में यहाँ पे 2 वीडियोस आपको आ रही होगी, ऊपर वाली मुझे लगता है आपको देखनी चाहिए और नीचे वाली यूट्यूब को लगता है आपको देखनी चाहिए, तो इन दोनों में से किसी एक पर क्लिक कर दीजिए एंड आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो पर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।